नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार सिंह और आपका स्वागत करता हूं टेक्निकल स्किल क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा फॉर्मेटिंग टैग का, दो फॉर्मेटिंग टैग का, HTML5 के दो फॉर्मेटिंग टैग का। तो चर्चा शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे नए व्यूअर होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उस बटन को क्लिक कर दें और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे भी क्लिक कर देंगे, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, चर्चा को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग अभी HTML5 के फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज ये पार्ट 3 है फॉर्मेटिंग टैग्स के। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने 21 फॉर्मेटिंग टैग्स को देखा है। आज दो इंपॉर्टेंट टैग है HTML5 में, इसके लिए आपको अपने ब्राउजर को अपडेट करना होगा। ब्राउजर मींस गूगल क्रोम या जो भी आप फायरफॉक्स या कोई भी आप वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं, तो उसको सबसे पहले आप लेटेस्ट ब्राउजर में उसको अपडेट कर देंगे। तो HTML5 के दो टैग्स के बारे में, फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में बात करेंगे। वो पहला जो है हमारा वो मीटर टैग। HTML5 का टैग है, न्यू टैग है, डिफाइंस अ स्केलर मेजरमेंट विद इन नोन रेंज, यानी कि यह एक डिफिनिट वैल्यू जो होता है उसी पे ये मेजर करता है वैल्यू को। एक्चुअली मीटर टैग का यूज वहां होता है, एग्जांपल से समझिए, जैसे हम अपने कंप्यूटर के डिस्क को दिखाते हैं कि कौन सा डिस्क कितना यूज हो चुका है। जैसे सी ड्राइव डिस्क है, यानी कि सी ड्राइव जिसको कहते हैं, या डी ड्राइव है, वो कितना यूज हो गया है, उसकी क्या मतलब, उसमें 10% या 20% सी ड्राइव कितना यूज हुआ है, डी ड्राइव। या हम कभी कभी क्या करते हैं, वोटिंग पोल कराते हैं, यानी कि वेब पे देखते हैं, बहुत सारे वेबसाइट पे वोटिंग पोल होता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे ए बी करके। उसी तरह बहुत सारे ऐसे वोटिंग पोल होते हैं जहां पे हम इस टैग का यूज करते हैं, मीटर टैग का। एग्जांपल मीटर टैग को लिखने का है कि मीटर टैग जो ओपन होता है क्लोज भी होता है, मीटर टैग उसमें आईडी देते हैं, उसके बाद वैल्यू, जैसे 2 है मिनिमम वैल्यू, 0 मैक्सिमम वैल्यू 10, यानी कि इसमें एक रेंज होता है जिसको हम मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में डिफाइन करते हैं। जैसे मिनिमम 0 हो गया और मैक्सिमम 10 हो गया, और वैल्यू क्या दिए, 2, यानी कि 0 से 10 के बीच में 2 यूज हो चुका है, यानी कि उतना नंबर तक उसको आया है वोटिंग में। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ जो 2 out of 10 लिखा हुआ है मीटर टैग के अंदर, ये डिस्प्ले नहीं होता है आपका, ये ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होगा, आपका ब्राउजर पे डिस्प्ले इस तरह से होगा, मान लीजिए, और फिक्स वैल्यू यहां तक मान लीजिए कि रन करके आएगा, या 10, अगर यहां से 0 से 10 है और 2 तक यूज है, यहां तक 2 है, तो यहां तक इस तरह से आपका आएगा ये, यानी कि मीटर दिखाएगा कि आपका, यानी कि कहा गया स्केलर में मेजरमेंट। अब मीटर के स्केल फिक्स वैल्यू होता है ना कि हाँ 0, 1, 2, 3, 4 और कितना यूज है, इसीलिए इसको मीटर टैग कहा जाता है। इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, पहला एट्रीब्यूट्स नेम है फॉर्म, ये फॉर्म पहला नेम है, इसका जो वैल्यू होता है फॉर्म आईडी। जैसे मान लीजिए कि आईडी दिए है डिस्क सी, ये आईडी इसलिए देते हैं कि इसको हम अगर डायनेमिक बनाना है तो हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, या सर्वर साइड प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, उस केस में हम फॉर्म डिफाइन करते हैं पेज में। तो किस फॉर्म का यह मीटर टैग है, इसके लिए हम फॉर्म आईडी यहां देते हैं। स्पेसिफाइज विच फॉर्म द मीटर एलिमेंट बिलोंग्स टू, किस फॉर्म से ये बिलोंग करता है। दूसरा हाई, हाई है इसका जो वैल्यू होता है नंबर, यानी कि रेंज होता है 0 से 10 के बीच में हाई होगा, तो जो मैक्सिमम लिखिए या हाई लिखिए, तो यहाँ पे क्या होगा 10, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम में 10 है उसी तरह यहाँ पे 10 होगा। लो नंबर रेंज, लो वैल्यू सबसे कम वैल्यू, यानी कि सबसे कम वैल्यू क्या है, आप जो भी डिफाइन करेंगे 0, 1, 2, 3। उसके बाद है मिनिमम, मिनिमम नंबर, जैसे हमने यहाँ 0 डिफाइन किया, ये भी लो भी समझ गए, मिनिमम क्या हुआ, ये भी नंबर डिफाइन हुआ, रेंज मिनिमम वैल्यू यानी कि सबसे कम वैल्यू, आप कहां से शुरू करना चाहते हैं
बाय डिफॉल्ट जीरो होता है, आप वन से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ वन से या टू से, लेकिन जो आपका डिफॉल्ट वैल्यू होता है जीरो से शुरू होता है। फिर वैल्यू, वैल्यू यानी कि ये भी क्या होता है, नंबर होता है, करेंट वैल्यू यानी कि आपको कितना शो करना है। जैसे हमने यहाँ पे करेंट वैल्यू दो लिखा, यानी कि हमारा दो यूज हो चुका है, वहां पे हमको उसको स्केलिंग कराना है, दिखाना है, शो कराना है, इसलिए हम वैल्यू दो देंगे। फिर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम क्या है, नंबर यानी कि रेंज। फिर मैक्सिमम हाई, हाई यूज कीजिए या मैक्सिमम यूज कीजिए, जैसे मैक्सिमम यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 है, रेंज है 10 होगा। उसके बाद है ऑप्टिमम नंबर, ऑप्टिमम वैल्यू या आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप कौन सा नंबर देते हैं, वो नंबर वहां पे डिफाइन करेंगे। दोस्तों ये मीटर टैग हो गया। दूसरा है प्रोग्रेस टैग, रिप्रेजेंट्स प्रोग्रेस ऑफ टास्क। इसका यूज क्या होता है कि मान लीजिए कि आप अपलोड करते हैं फाइल को या वेब पेज, माने अपने वेबसाइट पे, वेब पेज पे अपलोड करते हैं किसी फाइल को, किसी इमेज को, किसी वीडियो को, या डाउनलोड करते हैं, तो प्रोग्रेस दिखाता है, डाउनलोडिंग प्रोग्रेस ही यहाँ आपका दिखाते रहता है। यहाँ पे है, यहाँ पे इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इस तरह से आपका प्रोग्रेस दिखाते रहता है। उसके लिए जैसे एग्जाम्पल हमने दिया यहाँ पे डाउनलोडिंग प्रोग्रेस, उसको प्रोग्रेस टैग के अंदर आईडी डिफाइन करते हैं, यानी कि फाइल, माने क्या फाइल अपलोड करना है क्या है। उसके बाद हम वैल्यू डिफाइन करते हैं, यानी कि आपका वैल्यू कितना परसेंटेज या कितना दिखाना है, वो वैल्यू यहाँ पे करेंट वैल्यू शो होता है, और मैक्सिमम आपका 100 होता है, इसलिए हम मैक्सिमम। और यहाँ जो हम 32% दिए हैं, ये प्रोग्रेस ओपन और क्लोजिंग टैग के बीच में यह शो नहीं करता है, ये ऐसे ही हम हेल्प के लिए, देखने के लिए यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन यह शो नहीं करता है। इसके भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, वैल्यू होते हैं, डिस्क्रिप्शन होते हैं, ये प्रोग्रेस टैग का। और ये कहाँ यूज होता है, आजकल हम जावा स्क्रिप्ट या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग या प्रोग्रामिंग को यूज करके हम इसको डायनेमिक भी बनाते हैं, ये फाइल को डाउनलोड या अपलोड करते हैं उस समय। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो नंबर होगा, नंबर मैक्सिमम वैल्यू नंबर, जैसे 100% तक दिखाना है। स्पेसिफाइज हाउ मच वर्क द टास्क रिक्वायर इन टोटल डिफॉल्ट वैल्यू, यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू इसका 1 होता है, कितना परसेंटेज आपको टास्क शो करना है, 100% मैक्सिमम होगा, इस यहाँ मैक्सिमम 100% देंगे। उसके बाद वैल्यू है यानी कि नंबर, यानी कि वैल्यू है नंबर, यानी कि स्पेसिफाइज हाउ मच ऑफ द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, यानी कि हम करेंट वैल्यू देते हैं कि कितना आपको कितना शो कराना है, कितना परसेंटेज आपको शो कराना है कि आपका टास्क कंप्लीट हो गया है। जब आप स्टैटिक वेबसाइट बनाएंगे, एचटीएमएल कोड करेंगे, तो इसमें फिक्स रहेगा, लेकिन इसको भी हम डायनेमिक बनाते हैं, यानी कि इसको भी वेरिएबल बनाते हैं, लेकिन उसके लिए हम जावा स्क्रिप्ट वगैरह का यूज करते हैं। तो दोस्तों आज ये था दो बहुत इंपॉर्टेंट एचटीएमएल 5 का लेटेस्ट जो टैग है, मीटर टैग और प्रोग्रेस टैग, ये आजकल बहुत सारे वेबसाइट पे यूज हो रहा है। तो एज ए थ्योरी हम इसे देखें, इसके एट्रीब्यूट को देखें, और इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब चलिए दोस्तों इसको हम कंप्यूटर पे कोड करके और इसको रन करके वेब पेज पे देख लेते हैं कि यह कैसे वेब पेज पे वर्क करता है। दोस्तों अब हम लोग जो मीटर और प्रोग्रेस टैग देखे हैं, अब उसका हम लोग कोड करके और उसको हम वेब ब्राउजर पे एक्सेस करके उसका रिजल्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हमें कोड एडिटर ओपन करना होगा। हम नोट पैड प्लस प्लस को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम लोगों ने ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा था और सारे फॉर्मेटिंग टैग के बारे में। तो हम न्यू फाइल ओपन करेंगे। न्यू फाइल ओपन करने के बाद हम इसको सेवज कर लेते हैं, क्योंकि हम सेवज इसलिए कर लेते हैं कि हम जो भी कोड करेंगे तो मेरा कोड अगर किसी कारणवश मेरा सिस्टम ऑफ हो जाता है तो मेरा जो भी मेहनत मैंने जो किया है, कोड लिखा है, वो बेकार नहीं जाए। तो हम आज जो फाइल का जो नाम देंगे वो format2.html हमने नाम रखा और इसको हमने सेव किया अपने कंप्यूटर के डी ड्राइव यानी डी डिस्क के प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर के अंदर और हमने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हम क्या करेंगे, कोड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डॉक टाइप हमने दिया। डॉक टाइप क्या दिया, एचटीएमएल,
और इसको हमने बंद किया, फिर हमने क्या किया, HTML टैग स्टार्ट किया, फिर HTML को बंद किया, फिर HTML ओपन किया, फिर HTML को हम लोगों ने क्लोज कर दिया। उसके बाद हम फिर HTML के दो पार्ट हो जाते हैं, हेड पार्ट और हो जाता है, हेड पार्ट को हम क्लोज कर देंगे हेड टैग को, फिर बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे और बॉडी टैग स्टार्ट हो गया, फिर बॉडी टैग को हम लोग क्लोज कर देंगे, बॉडी टैग को क्लोज कर दिए। अब क्या है, हेड टैग में हम लोग एक टाइटल टैग डिफाइन करेंगे, टाइटल टैग डिफाइन किया जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्किल्स डेवलपमेंट, और उसके बाद हम लोग फिर इसको टाइटल टैग को हम लोग बंद कर देंगे। फिर हम लोग बॉडी टैग में आएंगे और जो हम लोगों ने मीटर टैग और जो हम लोग प्रोग्रेस टैग है उसका कोड करेंगे, हमने यहाँ कोड कर दिया, कंट्रोल एस करेंगे। हमने स्टार्ट किया क्योंकि पहले हमें मीटर टैग दिखाना है। मैंने क्या कहा कि आपके कंप्यूटर का जो डिस्क है, अगर कौन सा डिस्क कितना यूज़ हो रहा है उसको शो करने के लिए हम मीटर टैग का यूज़ करते हैं, या पोल यानी कि वोटिंग पोल, हमें दिखाना है कि इस बार के इलेक्शन में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, या कोई भी दो ऑप्शन दिया रहता है जिसमें हमको चुनना है, तीन ऑप्शन दिया उसमें से किसका परसेंटेज ज़्यादा है, उस ग्राफ को दिखाने के लिए हम मीटर टैग का यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए हम लोगों ने डिस्प्ले होने के लिए लिखा डिस्क यूजेस, फिर उसके बाद हम लोग मीटर टैग का यूज़ किए, मीटर टैग ओपन जो टैग है उसको स्टार्ट किया, उसमें ID इक्वल टू डिस्क सी, क्योंकि इसी से हम जावा स्क्रिप्ट या सर्वर साइड प्रोग्रामिंग जो भी लैंग्वेज होगा इसी ID से हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कोई भी हम इसमें कंडीशन लगाएंगे तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। फिर वैल्यू टू यानी कि करेंट वैल्यू क्या है, यानी कि आपने थ्योरी में देखा था कि मैंने बताया था कि ये रेंज होता है मिनिमम से मैक्सिमम, यानी कि मिनिमम यहाँ देखिए 0 है और मैक्सिमम हमने 10 डिफाइन किया, यानी कि और टोटल यानी कि टोटल 2 out of 10, यानी कि अब जो हमने मीटर टैग के अंदर जो लिखा, मीटर टैग के बाहर दोनों के बीच में, फिर मीटर टैग क्या हो गया, क्लोज हो गया, बंद हो गया, उसमें लिखा 2 out of 10, यानी कि 10 में से अभी करेंट वैल्यू क्या है, तो 2, ये शो करेगा आपको वेब पेज पे, और ये 2 out of 10 ये शो नहीं करेगा, ये आपको समझने के लिए दिया गया है। फिर हमने BR टैग का यूज़ किया, BR टैग का यूज़ किया कि न्यू लाइन में आए, और फिर हमने डिस्क यूजर्स D, यानी कि D का कितना यूज हो चुका है डिस्क का। फिर हमने मीटर टैग यूज़ किया, वैल्यू 0.6, यानी कि इसमें मिनिमम मैक्सिमम नहीं दे रहे हैं, इसमें हम एक परसेंटेज डिफाइन कर दिया, परसेंटेज भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे 60% है, तो हम दोनों ऑप्शन लेके चल रहे हैं, एक रेंज भी लेके चला 0 से और एक हम आपको परसेंटेज भी शो कर दिए मीटर में 2, ये हो गया मीटर का। दूसरा बात है कि हमने बात किया है क्या चीज़ से, हम लोगों ने बात किया है प्रोग्रेस टैग का लिए। प्रोग्रेस टैग का यूज़ क्या होता है, जब हम किसी फाइल को डाउनलोड या हम फाइल को अपलोड करते हैं तो वहाँ पे प्रोग्रेस बार दिखाना पड़ता है। प्रोग्रेस बार देखते हैं बहुत सारे वेबसाइट में, जैसे ही डाउनलोड करेंगे होगा कि 1%, 2%, 3%, उसको दिखाने के लिए आप ये प्रोग्रेस टैग का यूज़ करते हैं। प्रोग्रेस टैग को हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद ID फाइल, ये इसका यूज़ फिर वही स्क्रिप्टिंग या जो सर्वर साइड हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें इसका यूज़ होता है। फिर वैल्यू 32, यानी कि करेंट वैल्यू क्या है वो 32 है, मैक्स क्या है यानी कि 100, यानी कि जो कंप्लीट है टास्क जो कंप्लीट होगा उसका जो मैक्सिमम हाई वैल्यू है वो 100 है, और जो हमारा करेंट माने करेंट कितना टास्क हमारा कंप्लीट हो गया है ये है 32, तो हम यहाँ पे करेंट वैल्यू के लिए यहाँ वैल्यू में 32 दे दिए। ये 32% अपने समझने के लिए दिए, एक्चुअली ये ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होगा। उसके बाद हमने प्रोग्रेस टैग को क्लोज कर दिया। तो दोस्तों हमने मीटर और प्रोग्रेस टैग का हमने कोडिंग कर दिया, अब इसका रिजल्ट देखते हैं। तो हम ब्राउजर पे जाते हैं, हम मालूम है कि डी ड्राइव के अंदर प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर है, उसमें हमने फॉर्मेट 2.html नाम का हमने फाइल बनाया। अब देखिए अब रिजल्ट हो गया, जैसे हमने पहला ये डिस्क यूजेस देखिए, हमने कहा कि 2, 10 में से 2, तो देखिए इतना आपको दिखा रहा है ग्रीन हो गया, यानी कि उतना
यूज हो चुका है। फिर हमने डिस सीरीज में 60% हमने दिया, 0.6 वैल्यू में लिखा, तो यहाँ 60% दिखा रहा है। फिर अब जो प्रोग्रेस है तो डाउनलोडिंग प्रोग्रेस फाइल है, यहाँ 32%, तो देखिए इस तरह से डाउनलोडिंग प्रोग्रेस। तो हमारा जो मीटर टैग और प्रोग्रेस टैग का यूज इसी तरह से इस तरह के रिजल्ट के लिए होता है। तो दोस्तों अब मैं समझता हूँ कि आपका जो कंसेप्ट है मीटर टैग और प्रोग्रेस टैग के रिगार्डिंग, यह कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाए। और जो भी मेरे नए व्यूअर होंगे दोस्तों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और दोस्त कमेंट करना मत भूलेंगे और बेल आइकन भी क्लिक करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी मेरा वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे नए टैग के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।